उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का ऐलान किया गया है। दरअसल सर्व आदिवासी समाज ने ये बस्तर बंद का आह्वान किया है, प्रधानमंत्री के प्रवास का विरोध कर रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बस्तर प्रवास पर आ रहे हैं और ऐसे में सर्व आदिवासी समाज ने पीएम के इस दौरे का विरोध करते हुए बंद का आह्वान किया है। संभाग के 7 जिलों में यह बंद बुलाया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, संवाददाता रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हैं सर्व आदिवासी समाज के लोग और क्या मांगे हैं इनकी? जी, इनकी 4 प्रमुख मांगे हैं। एनएमडीसी जो नगरनार में स्थापित उसका इस्पात संयंत्र है, उसका निजीकरण न किया जाए। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता, जातिगत जनगणना और एक और मांग इसमें शामिल की गई है। 4 मांगों को लेकर कल संभाग के 7 जिले में बंद बुलाया गया है। सर्व आदिवासी समाज के जो संभागीय अध्यक्ष हैं प्रकाश ठाकुर, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास का भी सीधे तौर पर विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7 सालों से लगातार आदिवासी समाज जो है इस बात को लेकर मांग करता रहा है कि नगरनार में जो भू प्रभावित है उन्होंने अपनी जमीन जो है वो सरकार को दी थी, न कि इसलिए दी थी कि एनएमडीसी के नाम पर जमीन ली जाए और बाद में जब प्लांट बढ़कर तैयार हो तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। इस बात को लेकर लगातार आवाज उठाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती देख सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के प्रवास के विरोध का निर्णय लिया गया है। आज भी एक बड़ी रैली जो है वो जगदलपुर से निकाली जाएगी और नगरनार इस्पात संयंत्र का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके सामने बड़ी आम सभा की जाएगी। मेजर 2 डेवलपमेंट हुए हैं। सर्व आदिवासी समाज का 2 धड़ा है, एक धड़ा जो है बंद की खिलाफत कर रहा है और दूसरा धड़ा जिसको प्रकाश ठाकुर हेड करते हैं उस धड़े की ओर से ये पूरा आह्वान किया गया है। और यदि बंद की स्थिति रहती है तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से जो लोगों के आवागमन का सिलसिला है उस पर सीधे तौर पर फर्क पड़ेगा। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए रजत, लेकिन ये बड़ी खबर